इस्टामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम कल्याण फाटा पर और आपको बता दें कल्याण फाटा से मुंब्रा की तरफ आने वाले रास्ते पर कल रात में करीब 9 बजे के आसपास में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक बाइक सवार को काफी गंभीर चोट लगी है और जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दरअसल ये हादसा जो हो रहा है लगातार, ये आप पहाड़ के जैसा जो ब्रेकर देख रहे हैं इस ब्रेकर की वजह से हो रहा है। इस ब्रेकर की वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर एक दिन बाद दो दिन बाद यहाँ पर जो है हादसे हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि आज से दो दिन पहले भी यहाँ पर भयानक हादसा हुआ था और जो हादसा हो रहा है उसकी वजह बताई जा रही है। जब कल्याण फाटा से सिग्नल छोड़ा जाता है, वहाँ से गाड़ियाँ छोड़ी जाती है, उसके बाद जो आगे की तरफ बाइक सवार होते हैं वो काफी स्पीड में आते हैं और अचानक से ये जो पहाड़ के जैसा उखड़ खाबड़ उल्टा सीधा जो ब्रेकर बनाया गया है इस पर पहुंचते ही अचानक वो ब्रेक लगा देते हैं, दिखाई नहीं देता उन्हें क्योंकि इस पे व्हाइट पट्टी भी नहीं लगाई गई। इस वजह से ये ब्रेकर जो है दूर से दिखाई नहीं देता और अक्सर बाइक सवार जो है यहाँ पर आकर अचानक एक ब्रेक लगाते हैं और उनके साथ जो है हादसा हो जाता है। कभी कभी पीछे की गाड़ियों की भी चपेट में आ जाते हैं। उन्हें बताया था कि जो दुकानदार है वो जो है ऐसे हादसे यहाँ पर होते हैं, उनके सामने ही जो ऐसे तमाम हादसे जो है वो हादसे में शिकार हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। कल रात में भी यहाँ पर एक हादसा हुआ, क्या बताएंगे, कल रात में जो है बताया जा रहा 9 बजे के आसपास इसी ब्रेकर पर जो है एक भयानक हादसा हुआ। हादसा हुआ, बाइक से आदमी जा रहा था, बाइक के आगे गिरा, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके बाद ये डेली का यही है, दो तीन केस होते ही है। अच्छा, दो तीन दिन पहले भी हादसा हुआ है। ये डेली हादसा होता है यहाँ पे, मतलब रोज का एक है, रोज का डेली है। वहाँ से पुलिस वाले छोड़ते गाड़ी, मतलब सब क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है ना, आने के लिए सब जल्दी जाना चाहते तो आने के लिए सब आते ब्रेकर पे और यहाँ पे जब देखते कि ब्रेकर यहाँ पे तो एकदम इमरजेंसी ब्रेक मारते और उड़ के वहाँ पे गिर जाते आगे। ऐसा है अचानक में ब्रेकर नजर आता है, अचानक यहाँ पे अचानक में होता है, यहाँ पे स्पीड पे वहाँ आते हैं और दिखता नहीं, एकदम अनेला रहता है और ब्रेकर चौड़ा है एकदम और उस पर गिर जाते हैं लोग पलटी मार के। अच्छा, ब्रेकर भी काफी उल्टा सीधा बनाया गया है, इतना वाइट पट्टी है, ऐसा लगता है ये पहाड़ की तरह इसे बनाकर छोड़ दिया गया है इसे। और एक तीन चीज में भी अगर कर दे इसको यहाँ पे तीन जगह तो आदमी छोटे छोटे ऐसे तीन कर दे तो आदमी को समझ में आ रहा है, एक पे गया तो दूसरे पे जाके थोड़ा रुक जाएगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी होना चाहिए, व्हाइट वाला की सामने वाला व्हाइट पट्टी पट्टी आगे बोर्ड लगा दे हुए की मतलब 500 मीटर की दूरी पे या 50 मीटर तो आदमी थोड़ा सीधे हो जाएगा, वो आदमी भाग के आता है वो डायरेक्ट कूद जाता है, वो ब्रेक मार देता है। अभी सामने ही एक कार जो है, सामने की बात है, एक कार वाला जो है कितना उठा, और कार नहीं होता कोई बाइक वाला होता तो नीचे था, नीचे गिर गया, उधर जाके सर देखो उसमें लगा, ऊपर कार के ऊपर का जो है उसके ऊपर लगा, आपके सामने की बात है। जो बाइक वाला गिरा था उसको कहां पर मार लगी थी, उसके हाथ में, ये आदमी बाइक पे गिरे सर और हाथ पे ही लगता है, सीने में लगा, चोले में चोट लगा, उसको सर पे लगा, बहुत भयानक, मतलब जो इसने अर्जेंट ब्रेक मारा ना, ये ब्रेकर दिखा नहीं उसको, करीब 9 या 9:15 के लगभग जब इधर ये साइड में लगा ना मार तो एकदम उसका दिमाग मतलब चल नहीं रहता, एकदम अंदर ऐसा जबरदस्त अंदरूनी मार लगा, अंदरूनी मार, क्योंकि अक्सर बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट। ऐसा बताया जा रहा है कि आप ही दुकानदार लोग पता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे तीसरे दिन कभी 4, कभी 5, कभी 10 बहुत ज्यादा, एक एक दिन में कितने हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जब गिरता है ना तो उन लोग को उठा के हम ही लोग कुर्सी पे बिठाते और पानी पिलाते, तो हर चीज का हम ही लोग करते हैं। ये क्योंकि ये व्हाइट पट्टा नहीं रहने से बहुत, मतलब ये ब्रेकर आएगा नहीं दिखता नहीं, ये अक्सर मतलब बड़ा ब्रेकर फैला हुआ दिखता है पहाड़ की तरीका, तो इनको व्हाइट पट्टा मारेंगे ना तो सेफ्टी रहेगा क्योंकि ये ब्रेकर है बोल के पता चलेगा। ज्यादातर जो नया आदमी रोड पे चलता है उसको मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ ब्रेकर है, जो लोकल लोग है इधर नजदीक के लोग है उनको मालूम पड़ गया कि ये ब्रेकर है, तो लोग थोड़ा ढंग से चलते हैं, और जो बाइक बाहर का आदमी उसको नहीं मालूम है ब्रेकर है, ज्यादातर जो स्थानीय यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको मालूम पड़ता है यहाँ पर ब्रेकर है, लेकिन जो बाहर से उनको पता नहीं चलता कितना लंबा जाते, उसको मार लगा रहेगा तो फिर कैसे जाएगा घर पे, बाहरी आदमी ज्यादा गिरता है क्योंकि वो मालूम नहीं रहता, नया आदमी आता है तो गिरता ही गिरना ही गिरना, 1 सेकंड तक गिरना ही गिरना, जो रोज का मालूम पड़ गया, नया आदमी जो भी जाता है वो गिरता ही गिरता है, और गिरने के बाद अगर वो अकेला है उसके साथ कोई नहीं है तो घर तक पहुंचना उसका थोड़ा परेशानी हो जाती है, लोकल आदमी उसको ज्यादा से ज्यादा बैठाएंगे पानी पिलाएंगे उसका फोन पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर वो घर तक तो अकेला ही जाता है, उसको मार लगी रहती है घर तक पहुंचना उसका फिर परेशानी वाली बात हो जाती है।
और 4 दिन पहले। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो ब्रेकर बनाया गया है इस पर व्हाइट पट्टी होनी चाहिए, और खास तौर पर ये जो ब्रेकर है ये बेहद ही बेढंगे तरीके से बनाया गया है। आपको मुंद्रा तक इसी तरह से जो है उखड़ खाबड़ और बेढंगे बेतरीका बिटुका ब्रेकर जो है इसी तरह से बनाया गया है, और जो काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं, इसमें हादसे हो रहे हैं, इसमें लोगों की जान भी अब तक ब्रेकर की वजह से जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है, ब्रेकरों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेकर ऊंचा है, फिर वहां पर नीचा है, ब्रेकर में इसे लाइनिंग पड़ गई जिसमें बाइक का पहिया जाने की वजह से कभी कभी आगे का पहिया जाता है तो वो टर्न हो जाता है दूसरी तरफ, इस वजह से जो है और भी हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसे दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। और क्या कहेंगे इसको, व्हाइट पट्टी जो है लगाना बेहद ही जरूरी है। व्हाइट पट्टी मारेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्या आदमी को मालूम तो पड़ेगा ब्रेकर है। रात के समय तो अंधेरा होता है, दिखाई नहीं पड़ता होते, ज्यादातर के रात में होते, दिन में तो दिख जाता है लोगों को, रात में होते जो एक्सीडेंट हुआ था दिन में, 4 दिन पहला है ना तो 3:30 बजे हुआ था दिन में हुआ था, उसका समझ लो आग बच गया और तो इधर मतलब पूरा टाका गिर गया। कपड़ा ऐसा टाइट करके रुमाल बांधे और पानी पिला दिखा के, तो हम ही लोग देखते हैं, दुकानदार हम ही लोग हैं तो हम ही लोग देखते हैं अक्सर, मतलब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग। मनपा प्रशासन को काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ब्रेकर जो है काफी खतरनाक साबित हो रहा है। ये जो दुकान के लोग हैं अक्सर यहाँ पर जो लोग घायल होते हैं उनकी हेल्प मदद करते हैं, बहरहाल ये अच्छी बात है, जो हादसे का शिकार होते हैं उनकी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर हादसा होना ही नहीं चाहिए। जो भी ये ब्रेकर है इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और इसके ऊपर व्हाइट पट्टी लगाना चाहिए, क्योंकि कल्याण फाटा के तरफ से जो लोग आते हैं काफी छूटने के बाद बाइक वाले जो है वो काफी स्पीड होती है, क्योंकि पीछे जो उसके गाड़ी रहती है वो अक्सर हॉर्न बजाते हैं, अगर कोई आगे का सिग्नल चलता है तो उसे मजबूरन तेज चलना पड़ता है, और अचानक बस कुछ ही दूर पर ब्रेकर है और ब्रेकर सामने आने की वजह से जो है ब्रेक लगाते हैं और यहाँ पर हादसा जो है इस वजह से हो जाता है। कभी कभी क्या होता है?